करवा चौथ विशेष मुहूर्त पूजा विधि सर्गी किस दिशा बैठे और उपाय जाने करवा या करक मिट्टी का वह पात्र होता है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। 100 साल बाद करवा चौथ पर बन रहे ये शुभ योग। करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को है। पूजा मुहूर्त शाम 5:36 से 6:54, करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 8:15 के बाद। सर्गी में खाए जाने वाली चीजों में दूध और इससे बनी चीजों को शामिल करें, इससे पेट भरा रहता है। नारियल पानी या आनर जूस पीने से बॉडी हाइड्रेट रहती है और कमजोरी नहीं फील होती है। सूर्य उदय से पहले स्नान करें और सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय महाराज की पूजा करें। इस व्रत में पूजा सामग्री का विशेष महत्व है। पूजा के समय थाली में मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, दीप, सिंदूर, कुमकुम, पान, कलश, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, कुमकुम, मौली, ये सभी सामान होना जरूरी है। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुनें। चांद के निकलने के बाद छलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ्य दें। इसके बाद पानी पीकर अपना व्रत खोलें। करवा चौथ के दिन काले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। करवा चौथ के पूजन के दौरान महिलाओं को अपना मुख ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। करवा चौथ पर उपाय। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान गणेश को दुर्वा के साथ 21 गुड़ की गोलियां बनाकर अर्पित करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते में भी मिठास बनी रहती है। हर हर महादेव।